नीतीश सरकार पर क्यों भड़के सीजेआई? भरे सुप्रीम कोर्ट, नीतीश सरकार को सीजेआई की फटकार क्यों? पटना हाई कोर्ट के जज से जुड़ा क्या है मामला? सीजेआई चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुस्सा आया है। एक बार फिर सीजेआई चंद्रचूड़ भरे सुप्रीम कोर्ट में भड़क गए। एक बार फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने किसी को भरे सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगा दी है। सवाल यह है कि आखिर अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सीजेआई को एक बार फिर किसी को फटकार लगानी पड़ी। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बार सीजेआई चंद्रचूड़ ने नीतीश कुमार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल ये मामला पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा हुआ है, जिनकी सैलरी कई महीनों से रोक दी गई है। जिसके बाद अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और एक जज के ऊपर ऐसी कार्रवाई के बारे में सुनते ही सीजेआई भड़क उठे। उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने नीतीश कुमार सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए बिहार सरकार को सख्त आदेश दिए, जिसमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार की सरकार पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थाई सामान्य भविष्य निधि अकाउंट खोलें और उनकी लंबित सैलरी जल्द से जल्द जारी करें। इस मामले की सुनवाई के लिए सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें सीजेआई के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल रहे। नीतीश कुमार सरकार को फटकार लगाते हुए सीजेआई की बेंच ने कहा कि किसी भी जज से सैलरी के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। साथ ही सीजेआई की बेंच ने सवाल भी किया कि आखिर जस्टिस मिश्रा को वेतन क्यों नहीं दी जा रही, ये हो क्या रहा है, हम उनकी सैलरी जारी करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेंगे। सीजेआई की बेंच ने आगे कहा कि वो बिहार सरकार को जस्टिस मिश्रा के लिए एक अस्थाई जीपीएफ अकाउंट खोलने का निर्देश देगी। सीजेआई के इस आदेश से पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी थी, जिसमें उन्होंने सैलरी न मिलने की वजह बताई थी। उसके बाद सीजेआई की बेंच ने ये आदेश पारित किए। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है ये पूरा केस। दरअसल पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवंबर 2023 को जिला अदालत से पटना हाई कोर्ट में प्रमोशन मिली, लेकिन जब से उनका प्रमोशन हुआ था उसी तारीख से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि उनके पास जीपीएफ अकाउंट नहीं है, इसलिए उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हाई कोर्ट के जज के रूप में सैलरी लेने के लिए जीपीएफ अकाउंट का होना एक बड़ी शर्त है। अपनी दलील पेश करते हुए एसजी तुषार मेहता ने दलील दी कि चूंकि अधीनस्थ अदालतों के जज एनपीएस के तहत आते हैं, ऐसे में उनका जीपीएस अकाउंट नहीं होता है। जाहिर है प्रमोशन से पहले वो भी एनपीएस के तहत आते होंगे और जीपीएस अकाउंट नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने यही दलील दी थी कि इसी वजह से जस्टिस मिश्रा को सैलरी नहीं मिल पा रही है। जिसके बाद जब सीजेआई की बेंच भड़की और अपने निर्देश जारी कर दिए, तब एसजी तुषार मेहता ने बेंच से शुक्रवार तक का वक्त मांगा और जीपीएस अकाउंट खोलने का भरोसा दिलाया। उम्मीद है कि सीजेआई के इस निर्देश के बाद अब ये मामला सुलझ जाएगा और जस्टिस मिश्रा की सैलरी मिलने लगेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।